हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। हम आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री की 31st क्लास के बारे में, और मुगल साम्राज्य जो हम देख रहे हैं, मुगल साम्राज्य का पार्ट 3rd है ये। कोशिश की थी मैंने कि पार्ट 3 में आपका जो है मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो पार्ट 2nd था उसमें अकबर का जो जो टाइम हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे वो टाइम शायद शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ भी थी जो आपको बतानी थी। इस वजह से जो क्लासेस हैं मुगल साम्राज्य की वो हो गई अब 4। आज तीसरी क्लास है, कल की क्लास बचेगी, उसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब, और उसके बाद जो मुगल सल्तनत से रिलेटेड जो उनकी हेरिटेज रही है उनके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, संस्कृति के बारे में देखेंगे, समाज कैसा था उस बारे में थोड़ा सा, मतलब जो भी चीज़ें बचती हैं वो लास्ट के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी औरंगजेब के साथ साथ में। तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर को, शाहजहां को, और उस शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के बारे में। तो ये 3 लोग हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे। ये हमारी 31st क्लास है हिस्ट्री की। इससे पहले जियोग्राफी की क्लासेस हो चुकी हैं जिसके बारे में मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। कल की क्लास जो हुई थी, जो मैंने इलेक्शन पे बनाई थी, काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी। तो जो साउंड का वो इफेक्ट होता है वो उसका परसेंटेज काफ़ी कम पे था, 45% पे कुछ था, तो इस वजह से क्या हुआ कि साउंड बहुत कम आया है। रिकॉर्ड तो हुई है वीडियो, लेकिन साउंड बहुत कम आया है, वो मैंने खुद नोटिस किया है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आगे ऐसी गलतियाँ नहीं हो इस चीज़ की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो शाहजहां से स्टार्ट जहांगीर से स्टार्ट करेंगे, जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बाकी जो इनके इनकी डायनेस्टी के और भी जो जो रूलर्स रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चीज़ बताई हुई है। अगर आपने अभी तक पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके एक बार पीछे वो वीडियोज़ देख सकते हैं। जो मैंने वीडियो बताई थी जिसमें जो नेक्स्ट पिछला क्लास था उसके अंदर मैंने अकबर के बारे में पढ़ाया था, उसके साथ साथ मैंने महाराणा प्रताप के बारे में भी एक्सप्लेन किया था, जो जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, जो जो इनकी हिस्ट्री रही है, इन दोनों के बीच में जो राइवलरी रही, और कभी भी ऐसा हुआ कि जो कोई मतलब ना महाराणा प्रताप उस तरीके से हारे जिस तरीके से अकबर हारना चाहता था, कि या तो ये हमारे सत्ता के अधीन हो जाए या इनका किंगडम ख़त्म हो जाए, तो ना ऐसा कभी हुआ कि इनका किंगडम ख़त्म हुआ, और ना कभी ऐसा हुआ कि ये इसको जीत पाए। तो ये इनके पूरे जीवन काल तक चलता रहा, फिर डेथ तक भी ये भटकते रहे थे, और वापस एक बार अपना चित्तौड़ ले भी लिया था, फिर से इनको छोड़ना पड़ गया था, मतलब संघर्ष टोटल करते ही रहे थे। तो ये मैंने पूरी जो डिस्कशन था ये पूरा डिस्कशन हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आर्ट। सब कुछ भूल जाइए, आप आर्ट मत भूलिएगा। जहांगीर के टाइम पे आर्ट ऑफ पेंटिंग मतलब चित्रकला जो थी वो सबसे बेस्ट पोजिशन पे थी, सबसे अच्छी टाइम पर थी। आर्ट ऑफ पेंटिंग का स्वर्णिम काल माना जाता है इसको, ठीक है, इसको जो आर्ट ऑफ पेंटिंग का स्वर्णिम काल माना जाता है, कहा जाता है कि इतिहास में स्वर्णिम काल ये था आर्ट ऑफ पेंटिंग, या जो आपकी है चित्रकला के बारे में, हिंदी में अगर बात करेंगे तो चित्रकला, ठीक। और इसके अलावा जो बातें हैं वो हमको जो लेक्चर आगे हम देखने वाले हैं उसमें साथ साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो देखते हैं पहली स्लाइड जहांगीर के बारे में। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? जो इसका ओरिजिनल नेम था वो था सलीम। सलीम वही जो सलीम और अनारकली की जो कहानी आपने बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फेमस कहानियों में से एक है। पुराने टाइम से अगर बात करेंगे आप, मुगले आजम जो पुराने टाइम की एक सबसे फेमस मूवीज में से एक है, वो इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी पर बनी हुई है, सलीम और अनारकली की। हिस्ट्री में इस टाइप के साक्ष्य मिलते हैं, कहीं कहीं कुछ लोग इसको एक तरीके से मनगढ़ंत कहानी भी मानते हैं, जिस भी राइटर ने इसके बारे में सबसे पहले लिखा है। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एक उनके यहाँ पर एक ऐसी थी, मतलब एक वो लेडी थी जो काम किया करती थी, जिसपे सलीम एक तरीके से जिसपे फिदा हो चुके थे, और इसकी वजह से जो आगे का पूरा प्रकरण था वो सब कुछ हुआ। और उसमें अकबर अकबर का जो लास्ट का टाइम था, मतलब अपनी जवानी तो वो अच्छे से जिए थे, लेकिन बुढ़ापा जब उनका आया तो सलीम की हरकतों की वजह से और सलीम के विद्रोह की वजह से, सलीम ने विद्रोह कर दिया था अपने बाप के खिलाफ, तो सलीम के विद्रोह की वजह से जो है उनको, जो अकबर है, अकबर को अपने पुरान जो लास्ट का टाइम था, जीवन के लास्ट के टाइम उसको काफ़ी डिफिकल्टीज में गुजारने पड़े, काफ़ी परेशानियों के साथ जो है उसने अपना लास्ट टाइम काटा था सिर्फ और सिर्फ सलीम की वजह से। और वही सलीम आगे जाकर जो है राजा बनता है, और जो जिसका नाम चेंज होता है, नाम रखा जाता है जहांगीर। इसका पूरा नाम जो है वो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अगर आपसे नाम कहीं पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको 2 नाम अभी तक पूरे पूरे बताए हुए हैं। जहांगीर का नाम आप चाहें तो भूल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकबर का नाम आपको नहीं भूलना है। अकबर का नाम वैसे सबको पता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उसका नाम है पूरा, तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एल्डर सन ऑफ जहांगीर वॉज खुसरो रिबेल्ड अगेंस्ट हिज ओन फादर फॉर द थ्रोन। जैसे ही इसको थ्रोन मिला, जैसे जहांगीर को थ्रोन मिला, जहांगीर को उसकी राज्याभिषेक किया गया, तो इसके खुद के बेटे ने जिसका नाम खुसरो था, खुसरो जिसका जो इसका बेटा था, इसकी पहली बीवी से सबसे बड़ा जो बेटा था खुसरो, उसने रिवेल कर दिया।
ये लगभग उस साल उस टाइम पर 17 से 18 साल का रहा होगा जब इनको शासन मिला। जहांगीर को शासन मिला लगभग 35 से 36 साल के आसपास, तो ये लगभग उस टाइम 17 18 साल 18 साल का रहा होगा, और इसने जो है विद्रोह कर दिया था। इसकी कहानी जो है थोड़ी सी आपको हिस्ट्री में मिलती है कि इसने विद्रोह किया आगरा से, कुछ लगभग 2 से 3 हजार सैनिकों के साथ जो है ये चला गया कहाँ की तरफ, पाकिस्तान की साइड, जो फिलहाल का पाकिस्तान है उस साइड चला गया था, जहाँ पर इसे फिर आगे पंजाब का जो सूबेदार हुआ करता होगा उस टाइम का, उसका साथ मिला। और जो उस टाइम पर जो पांचवें गुरु थे, जो पांचवें सिख गुरु थे उस टाइम पर, जिनका नाम था अर्जुन देव, जो पांचवें सिख गुरु थे अर्जुन देव, उनका साथ मिला था खुसरो को। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि क्यों ऐसा हुआ था कि जहांगीर ने खुद जो जो गुरु थे इनके, अर्जुन देव गुरु थे जो, उनको क्यों फांसी की सजा क्यों करवा दी थी, क्योंकि इन्होंने साथ दिया था किसका, खुसरो का। और खुसरो रिबेल पहले ही कर चुका था, जैसे ही शासन मिलता है अकबर जहांगीर को, वैसे ही खुसरो ने रिबेल कर दिया था, मतलब एक तरीके से विद्रोह कर दिया था, इसके खिलाफ खड़ा हो गया था। इस वजह से उसका साथ देने वाले जो थे अर्जुन देव, साथ क्या दिया था, एक तरीके से कह लीजिए कि इसको विक्ट्री की एक तरीके से मुबारकबाद दी थी, कि मुबारकबाद नहीं, शुभकामनाएं दी थी कि आप जाके जीत जाएं, और आशीर्वाद दिया था, और भी जो चीज़ें उस टाइम पर रही हों, क्योंकि सिख जो मतलब सिख पंथ था उस टाइम पर, सिख पंथ का मेन काम था प्रोटेक्शन करना सबको, मतलब एक तरीके से वो लड़ाका लोगों का एक ग्रुप था, जो लोग ताकतवर थे, जो लोग लड़ सकते थे, जो लोग लड़ने में कैपेबल थे, तो जरूर कुछ ना कुछ सहायता जरूर दी होगी इन लोग इन्होंने। तो इसीलिए क्या हुआ था, दैट्स वाइज जहांगीर मेड हिम ब्लाइंड। किसको ब्लाइंड किया, खुसरो को, ये हम बात कर रहे हैं खुसरो को, खुसरो जिसने कि रिवेल कर दिया, इसकी दोनों आंखें फुड़वा दी थी इसने। एंड द सिख गुरु अर्जुन देव, जो गुरु अर्जुन देव थे, वॉज हेल्ड टिल डेथ फॉर सपोर्टिंग खुसरो। खुसरो को सपोर्ट करने की वजह से जो है इनको अपनी जान गंवानी पड़ गई थी गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन 1611 1611 में फिर से क्या हुआ, जहांगीर मैरिड टू मेहरुन निसा, हु बिकेम फेमस विद द नेम ऑफ नूर जहाँ। नूर जहाँ नाम जो है काफ़ी फेमस है, क्या कहते हैं आपकी हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इन्होंने, इनके कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वजह से फेमस हैं। बाकी जितनी रानियाँ थीं उन्होंने सिर्फ एक तरीके से राजा को एक सपोर्ट किया है, लेकिन वो एक तरीके से कह सकते हैं बैकग्राउंड में सपोर्ट रहा है। कभी खुल के किसी किसी रानी ने सामने विद्रोह नहीं किया, कभी खुल के किसी रानी ने कोई गुट नहीं बनाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसमें उसको हिस्ट्री में मतलब बहुत ज़्यादा नोटिस मिले, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा हो। लेकिन नूर जहाँ ने एक तरीके से काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव होकर, उस टाइम पर जो शासक थे जहांगीर उनके टाइम और उसके बाद में, नूर जहाँ ने काफ़ी जो है पॉलिटिकली एक्टिवली एक्टिव होकर अपना जो दामाद था उसको एक तरीके से कह लीजिए कि शासन में लाने की पूरी कोशिश की थी। तो ये कुछ हुआ था जिसको बोला जाता था उस टाइम पे नूर जहाँ गुट बोला जाता था। ठीक है, इनका एक अलग ग्रुप बन गया था कुछ लोगों का, तो ये थे, इसको बोला जाता था नूर जहाँ गुट। और ऐसा माना भी जाता है कि कुछ सालों तक जो शासन हुआ है इसमें काफ़ी हद तक इनका इन्फ्लुएंस रहा था। तो इस बारे में हिस्ट्री में आपको मिलता है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाता है कि नूर जहाँ गुट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है। और अगर मुगल साम्राज्य में बात की जाए तो वो जहांगीर के टाइम पर था। ठीक है, जहांगीर के टाइम पर था। अगर सिमिलरली अकबर की बात की जाए तो अकबर के टाइम पर भी ऐसा कुछ टाइम रहा था जब अकबर ने एक तरीके से स्त्रियों के इन्फ्लुएंस में आके काफ़ी दिन शासन किया था। और उस टाइम को जो लगभग कुछ टाइम रहा 1560 से लेके 1564 के टाइम, लगभग वो 4 सालों का टाइम, जब एकदम से क्या हुआ, अकबर को जैसे मैंने आपको बताया था कि 13 साल की एज में उनको शासन मिल गया था, लेकिन 13 साल की एज में कोई बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता है कि पूरे साम्राज्य को हर तरीके से संभाल सके। 4 साल बाद जो है 1560 में खुर्रम खां की मौत हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो, सॉरी, बैरम खां की मौत हो जाती है, जो इनका संरक्षक था। अब बैरम खां की मौत होने के जस्ट बाद उस टाइम पर जो स्त्रियां थी वहां पर, जिनको बोला जाता है कि अकबर के हरम की स्त्रियां, हरम बोला जाता था जहां पर स्त्रियां जो मतलब पावरफुल स्त्रियां थी उनको हरम के गुट में रखा जाता था, तो जो हरम में स्त्रियां थी उनकी काफ़ी बोलबाला रहा उस टाइम पर, काफ़ी उनकी चलती रही। तो अगले 4 साल तक जो है, जब तक एक तरीके से पूरी तरीके से अकबर मेच्योर नहीं हुए, उस टाइम पर अकबर के टाइम पर भी वो शासन चला था जिसमें स्त्रियों ने शासन किया था, काफ़ी हद तक पॉलिटिकली एक्टिव रही थी। और इस टाइम को अगर बात की जाए तो इस टाइम को बोला जाता है पर्दा शासन। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा, एक पर्दा शासन और इधर जो है नूर जहां गुट, एक ये नूर जहां का गुट और दूसरा जो है पर्दा शासन, इन दोनों टर्म्स को आप याद कर लीजिए, हो सकता है ये दोनों टर्म कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जाए। वैसे खैर इतना डीप में पूछा है ना, बहुत कम संभव है कि ऐसा क्वेश्चन इतना ज़्यादा डीप में बने आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज एट इट्स पीक एट द टाइम ऑफ जहांगीर। जहांगीर के टाइम पर आर्ट ऑफ पेंटिंग, जिसको आप चित्रकला बोल सकते हैं, तो ये जो आर्ट ऑफ पेंटिंग या चित्रकला की जो कलाकारी थी, ये जहांगीर के टाइम पर सबसे टॉप पर थी, सबसे टॉप पर थी, सबसे पीक पर थी, इसीलिए इसको स्वर्णिम काल बोला जाता है, आपके चित्रकला का स्वर्णिम काल बोला जाता है जहांगीर को। जहांगीर का जो पीरियड था उसको बोला जाता है कि चित्रकला का सबसे गोल्डन पीरियड था ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही यूज्ड टू लिव इन आगरा एंड अ गोल्डन चैन विथ 60 बेल्स हैंगिंग इन इट आउट ऑफ हिज पैलेस फॉर जस्टिस अपील। ये आगरा में रहा करता था, इसने राजधानी भी आगरा अपनी बना ली थी। और आगरा का जो रेड फोर्ट है, अगर आपसे वो पूछा जाए किसने बनवाया, तो भी आप बताएंगे कि रेड फोर्ट जो है वो बनवाया। आगरा में भी एक रेड फोर्ट है, अगर आपने बोला हो, जिसको बुलाया था आगरा का किला, जिसको जहांगीर ने बनवाया था। ये शायद मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गया हूँ, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जहांगीर ने आगरा का जो रेड फोर्ट है वो बनवाया था। और उसके अलावा, और आगरा के रेड फोर्ट के अंदर एक सफ़ेद वो भी है, जिसको जिसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आप जाएंगे वहाँ पर, तो एक बड़े से गुम्बदाकार मतलब सेक्शन के बीच में एक पूरा घर जो बना हुआ है, पूरी एक बिल्डिंग है जो पूरे व्हाइट कलर की बनी हुई है, जिसको आगे चल के शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां को व्हाइट संगमरमर से कुछ ज़्यादा ही प्यार था, जितना भी कंस्ट्रक्शन उसने करवाया है सबका सब व्हाइट संगमरमर से है। और जो दूसरा जो जहांगीर ने बनवाया था वो रेड कलर का पत्थर है, जिससे पूरा का पूरा फोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो उसी आगरा फोर्ट के बाहर इसने एक ऐसी जंजीर टांग रखी थी जो जिसमें 60 घंटियां लटकी होती थी, और सोने की जंजीर थी। उसको आप कोई भी आम नागरिक जाकर उसको बजाकर जो है अधिकारियों से या डायरेक्ट राजा से, पहली बात तो आप अधिकारियों से या फिर डायरेक्ट राजा से जो है वो न्याय की अपील कर सकता था। ये मतलब ऐसा माना जाता है कि न्यायप्रिय राजा था, और इसने न्याय के लिए इतना काम करा किया हुआ था कि कोई भी आम आदमी, कोई भी आम जनता का एक व्यक्ति जाकर डायरेक्टली चाहे तो वो राजा से अपील कर सकता था अपने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑल्सो अपॉइंटेड अ जज, यहाँ पर जज होना चाहिए, जज फॉर हिंदूज नेम्ड श्रीकांत। श्रीकांत नाम का उसने एक अलग से जज बनाया बैठाया हुआ था, जो कि हिंदू मतलब जो लोग थे उनसे रिलेटेड मामलों को सुनता था। एक ऐसा जज जो सिर्फ हिंदुओं के मतलब मुकदमे सुना करता था, उसका नाम था श्रीकांत। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं अगर आपको जहांगीर के बारे में याद रखनी है, जो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं, क्योंकि शायद उनसे उतना क्वेश्चन बने ना। इसका सबसे बड़ा बेटा था खुर्रम खां, खुर्रम खां जो आगे चल के बनेगा शाहजहां। ठीक है, इसको इसने भेजा था अमर सिंह को, अमर सिंह से लड़ने के लिए। अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह थे आपके महाराणा प्रताप जी के लड़के। उधर जो है पीढ़ी चेंज हो चुकी थी और इधर भी पीढ़ी चेंज हो चुकी थी। महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह थे, जिनको जिनको जिनसे लड़ने के लिए इसने भेजा था। और वहाँ पर सफलता पाई भी थी खुर्रम खान ने, खुर्रम खान ने वहाँ पर सफलता पाई थी। इसी वजह से जो है उस इसने जो है वहाँ सफलता पाने का मतलब ये था कि वहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, कोई हार जीत नहीं हुई थी, वहाँ पर संधि हुई थी। ठीक है, संधि करने पर मजबूर कर दिया था इसने, तो वहाँ पर संधि हो चुकी थी, इस वजह से माना जाता था कि खुर्रम खान ने वो जो है मुकाबला जीता था, और इस वजह से काफ़ी खुश हुआ था। और जो है पहले से ही उत्तराधिकारी फिक्स हो चुका था इस चीज़ का कि हाँ भाई, जहांगीर से के बाद आने वाला जो उत्तराधिकारी है वो आपका शाहजहां होने वाला है। इसके बाद की जो चीज़ें वो मैं आपको शायद लगभग वो सभी बता चुका हूँ कि यहाँ पर चित्रकला इसके टाइम पर सबसे अच्छी थी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे उनकी जो राजदूत आए, इंग्लिश एम्बेसडर्स आए, जो यहाँ पर आए किसके टाइम पर, जहांगीर के टाइम पर। जहांगीर के टाइम पर सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये आए किसके द्वारा, जेम्स प्रथम। उस टाइम पर वहां पर इंग्लैंड में जेम्स प्रथम थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इनके पास कोई राइट्स नहीं थे, कुछ ऐसे राइट्स इन लोगों ने दे नहीं रखे थे, जिसकी वजह से जो कंपनी है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर पाए, बहुत ज़्यादा आगे फल फूल पाए, ऐसे इनके पास ऑप्शंस कम थे। तो क्या हो रहा था कि बार बार जो है वहाँ का जो राजा था जेम्स प्रथम उस टाइम पर, वो क्या कर जेम्स फर्स्ट जो है उस टाइम पर जो राजा था, वो क्या करता था, अपने एम्बेसडर्स को भेजता था मुगल साम्राज्य में, मुगल सल्तनत के ऑफिस में, ताकि ये लोग जो है इनको किसी तरीके की छूट दें, और किसी तरीके का कुछ कुछ तो फायदा हो जहाँ से ये व्यापार करने की छूट पा सकें। तो जो सबसे पहले आया विलियम, जो कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, ये किसके नाम से आया था, ये जो पत्र लेके आया था, ये आया था अकबर के नाम से। ठीक है, क्योंकि जब ये चला होगा, जब जब उससे बात हुई होगी, जब भी वहाँ से भेजा गया होगा, तब अकबर शासक हो गए, उसके बाद जो है चेंज हो गए। फिर सेकंड जो आया वो आया पॉल कनिंग। पॉल कनिंग आया, ये भी अनसक्सेसफुल रहा। शुरुआत के दोनों जो हैं वो अनसक्सेसफुल रहे थे, दोनों को कोई खास रियायत नहीं मिली,
आपके काम के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई रियायत नहीं मिली, ना किसी को कोई भी, मतलब एक तरीके से मुगल साम्राज्य ने इनकी बात नहीं मानी ढंग से, जो इनको बात मनवानी थी, जो इनको छूट चाहिए थी किसी भी अपने काम के अंदर। इसके बाद जो है विलियम्स जो है जेम्स जेम्स फर्स्ट ने जो है भेजा किसको, विलियम्स एडवर्ड को, विलियम्स एडवर्ड को भेजा गया। ये थर्ड एम्बेसडर था या थर्ड राजदूत था जो भेजा गया था इंग्लिश, वहाँ से इंग्लैंड से भेजा गया था मुगल साम्राज्य के दरबार में। इसको कुछ अधिकार मिले, कुछ इसको विशेषाधिकार मिले, लेकिन जो विशेषाधिकार इसको मिले उनसे कुछ खास फायदा जो है इनको नहीं मिल पाया था अंग्रेजों को। तो उसके बाद जो है फिर आगे भी प्रोसेस चलती रहती है, इनको कोई खास विशेषाधिकार इनसे मिल नहीं पाए थे, लेकिन ये जो है एक तरीके से सक्सेस हुआ था। इसने एक तरी अपना काम कर दिया था, इसको जो चाहिए थी, जो बातें मनवानी थी, कुछ चीज़ें जिनसे इनको यहाँ पर क्या कहते हैं इनको, क्या एक तरीके से व्यापार करने का मौका मिले, व्यापार करने का अवसर मिले, वो चीज़ जो है इसने काम लगभग उसमें जो है ये कामयाब हो चुका था। तो पहले दोनों पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहे थे, और थर्ड जो है विलियम एडवर्ड ये थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा था। तो ये तीन नाम हैं जिनमें से आपसे हो सकता है नाम पूछ लिया है, तो हॉकिंस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले आया था। आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सबसे पहला राजदूत जो मुगल सल्तनत के टाइम पर, या पहले पहला राजदूत जो भारत में किसी राजा के पास गया अपनी कुछ अधिकारों की मांग लेने लेकर इंग्लैंड का, तो आप उसमें बोलेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगर इतना नहीं याद रखता है, सिर्फ हॉकिंस याद रखिए। उसके बाद पॉल कैनिंग आया, इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन विलियम एडवर्ड का नाम आपको याद रखना है। तो पहला और लास्ट जो है ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो थी कुछ बातें जो आपको जहांगीर के बारे में मुझे बतानी थी। इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से बनते हैं, या तो आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन आया था इनके दरबार में, और उसके बाद आपसे अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो न्याय चयन के बारे में पूछते हैं, यही चैन ऑफ जस्टिस किसने लगाई, कहाँ पर लगाई, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर नूर जहाँ से इनकी शादी हुई थी, दो गुट बने थे इनसे, क्वेश्चन खैर कभी बहुत कम ही चांस है कि पूछा जाए। इसका पूरा नाम भी पूछे जाने के चांस कम है, लेकिन इसका बचपन का नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सलीम जो है इसके बचपन का नाम था, वो बार बार पूछा जाता है कि सलीम जो है वो कौन सा राजा है जिसका नाम सलीम था, या फिर जहांगीर का सीधे बचपन का नाम पूछ लिया जाएगा। खुसरो इसका पहला सबसे बड़ा बेटा था, खुसरो पहली बीवी सबसे बड़ा बेटा था, जिसने इसके राजा बनते ही इसके खिलाफ रिबेल कर दिया था, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसकी इसने आंखें फोड़वा दी। ये मदद लेने गया, इसकी मदद की किसने, फिफ्थ जो गुरु थे आपके, फिफ्थ गुरु थे जो सिख मतलब संप्रदाय के फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनसे इसने मदद मांगी थी और उन्होंने इसकी मदद भी की थी। इसी वजह से अर्जुन देव को जहांगीर ने जो है मौत क्या कहते हैं एक तरीके से फांसी पे लटकवा दिया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जहांगीर से बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां भी हिस्ट्री में अगर आप बात करेंगे मुगल एम्पायर की हिस्ट्री में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, जिसमें आप सभी को पता होगा सबसे पहला तो ताजमहल है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो है चाइल्डहुड नेम इसका क्या था, खुर्रम, जो मैंने बार बार आपको बता रखा है, खुर्रम इसका चाइल्डहुड नेम था। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है, द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां इज कॉल्ड द सेकेंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या फिर द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले जहांगीर का टाइम, तो जहांगीर का जो टाइम था वो क्या था, गोल्डन एम्पायर था चित्रकारी के लिए या आर्ट ऑफ पेंटिंग के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए गोल्डन पीरियड ओवरऑल, तो आप उसके लिए आंसर देंगे शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जो है उसके टाइम को बुलाया था गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, या सेकेंड गोल्डन पीरियड। फर्स्ट गोल्डन पीरियड किसको बोला गया था अब तक, अभी अगर आपको याद हो थोड़ा सा, फर्स्ट गोल्डन पीरियड बोला गया था गुप्ता एम्पायर को। ठीक है, गुप्ता एम्पायर जब इंडिया में रहा तो उसको बोला गया था फर्स्ट गोल्डन इरा बोल सकते हो, तो गोल्डन पूरा इरा रहा है एक, जिसको गोल्डन पीरियड बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बीवी का नाम बार बार पूछ लिया जाता है, तो मैंने इसकी बीवी का जो ओरिजिनल नाम था उसके बारे में भी लिखा हुआ है, हिज वाइफ्स नेम वॉज अर्जुमंद बानो बेगम, ये इसकी बीवी का पहला या ओरिजिनल नाम था कह लीजिए। शी वॉज लेटर नोन एज मुमताज महल, बाद में जिसका नाम जो है मुमताज महल नाम से फेमस हुआ। इसका अगर ओरिजिनल नाम की बात करेंगे आप, तो अर्जुनमंद बानो, ठीक है, अर्जुनमंद बानो ये इनका ओरिजिनल नाम था, और जिनको बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया। मुमताज महल इनका काफ़ी फेमस नाम है और यही आपको याद रखना है, ये कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप अर्जुनमंद भी याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाहजहां बिल्ड अ न्यू सिटी कॉल्ड शाहजहांबाद एंड ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहांबाद, दैट इज ओल्ड दिल्ली ऑफ करेंट टाइम। आजकल जो ओल्ड दिल्ली बोला जाता है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो चांदनी चौक और उसके आसपास का जो एरिया है, चावड़ी बाजार जहाँ पर फिर आपका रेड फोर्ट है,
वो जो पूरा एरिया है वो उस टाइम पर एक नया शहर बसाया गया था जिसका नाम था शाहजहांबाद, शाहजहांबाद, ठीक है। ये एक नया शहर था जो उसने बसाया था, और उस शहर की रखवाली करने के लिए जो एक तरीके से बिल्डिंग बनाई गई थी उसका नाम बाद में पड़ा क्या, रेड फोर्ट। ही बिल्ड अ फोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस सिटी विच इज कॉल्ड लाल किला या रेड फोर्ट, जो आप आजकल लाल किला या रेड फोर्ट कहा जाता है। उसको बनाया किसके लिए गया था, जो उस टाइम उसने शाहजहांपुर बनाया था, शाहजहां सॉरी शाहजहांबाद बनाया था, तो उस शाहजहांबाद की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उस पर कोई आक्रमण ना करे और वहां पर लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए बनाया गया था रेड फोर्ट, जो उस टाइम पर बोला जाता था किला ए मुबारक। रेड फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज किला ए मुबारक। और इसमें क्या है, दीवाने आम एंड दीवाने खास ऑल्सो बिल्ड बाई शाहजहां इन इट इन दिस फोर्ट। उसी रेड फोर्ट के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास जो दो जगह हैं अलग अलग, वो दोनों बनवाई थी किसने, शाहजहां ने। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं, पहली बात तो अगर आपको शाहजहां का नाम याद आता है तो शाहजहां के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ताजमहल, जो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट रेड फोर्ट, रेड फोर्ट कहाँ का, दिल्ली का। वैसे खैर दिल्ली ही वाला ही फेमस है तो आप वो आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, नेक्स्ट है मोती मस्जिद, ये सभी सभी हैं। जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में है और मोती मस्जिद जो है आपकी आगरा के अंदर है। तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी आगे आने वाली जो स्लाइड्स होंगी उसमें मैं आपको जामा और मोती मस्जिद के बारे में ही बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ही रिप्लेस्ड इलाही कैलेंडर, इलाही कैलेंडर मतलब इलाही संवत, जो कि स्टार्ट किया था किसने, अकबर ने। ये सब मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ, बार बार रिवाइज होती आ रही हैं साथ साथ में। इलाही कैलेंडर को इसने रिप्लेस किसके किया, हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर जिसको बोला जाता है हिजरी संवत। तो इसने क्या किया, इलाही संवत जो अकबर ने बनाया था उसको चेंज कर दिया हिजरी संवत में। ये इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट कामों में से एक है, ठीक है। ही स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सिजदा, ये भी आप याद रखिएगा। सिजदा जिसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती आ रही थी, अकबर के टाइम पे भी चलती थी, सिजदा वही होता था कि बादशाह के सामने बिल्कुल झुक के प्रणाम करना, तो वो जो प्रैक्टिस होती थी उसको इसने बंद कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो इसका लिखा हुआ है, वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस ताजमहल, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, बिल्ड बाय शाहजहां इन आगरा, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। एंड द आर्किटेक्ट वॉज उस्ताद ईसा खां, ये चीज़ याद रखनी है। उस्ताद ईसा खां जो है वो उसने जो है इस ताजमहल को बनाया था, और ऐसा बोला जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद इसके हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वो ऐसा सेम कंस्ट्रक्शन कोई और कहीं दुनिया में ना बना सके। तो वो खैर अलग बातें हैं, हिस्ट्री की बातें हैं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि किसके हाथ कटवा दिए गए थे। आपसे ये पूछा जाएगा किसने बनाया था, तो अगर आपसे एम्परर पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे शाहजहां। अगर व्यक्ति जिसने बनाया था, जिसने पूरी डिज़ाइन की है, जिसने पूरा एक तरीके से पूरा लेआउट तैयार किया है, पूरे आगरा का पूरा लेआउट तैयार किया है, तो वो थे उस्ताद ईसा खां। उस्ताद का मतलब होता है इंग्लिश में अगर बात करें तो मास्टर, किसी भी चीज़ में जो हर चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से पारंगत है उसको बुलाया जाता है उस्ताद, ठीक है। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और ऐसे बहुत सारे नाम लिए जाते हैं। किसी भी फनकार को बुलाया जाता है जो बहुत अच्छा होता है किसी आर्ट में, उसको बुलाया जाता है उस्ताद। उस्ताद मतलब होता है किसी एक चीज़ में मास्टर होना। नेक्स्ट जो है मोती मॉस्क्यू, जो मतलब मोती मस्जिद है आपकी, ये है आगरा के अंदर, और जामा मस्जिद जो है आपकी वो है दिल्ली के अंदर। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, दोनों दोनों बनाई गई किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो आप अगर मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन पे देखेंगे वे अब या बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखेंगे तो इन सभी चीज़ों में शाहजहां का जो पीरियड था, शाहजहां का जो टाइम रहा वो काफ़ी सक्सेसफुल था। उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई और काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस भी किए गए। नेक्स्ट पॉइंट फिर से वही लिखा हुआ है, कर ये गलती से रिपीट हो गया है, ही रिप्लेस्ड जो है इलाही संवत विद हिजरी संवत, ये उसने काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शाहजहां हैड शेड्यूल्ड वेडनेसडे एज अ डे ऑफ जस्टिस, इसने जो है वेडनेसडे फिक्स कर रखा था जिस दिन ये बुधवार को अपना क्या कहते हैं न्याय करने के लिए बैठता था। इसने भी जो अगर इसका शासनकाल आप देखेंगे तो 1627 से लेके 1658 तक इसने शासन किया, काफ़ी लंबा टाइम है, 30-31 साल तक इसने शासन किया है। तो इसके शासनकाल में भी जो चीज़ें थी, जो भी एक तरीके से जो भी काम हो रहे थे काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे थे, और भी चीज़ें जो थी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से थी। अगर अगर आप आगरा गए हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा शाहजहाँ के एक ऐसी मस्जिद थी जो रेड फोर्ट के अंदर बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पर ये रोज़ वहाँ पर जब नमाज पढ़ा करता था, और उस नमाज पढ़ने के बाद जो है लोगों से जो जनता की प्रॉब्लम होती थी और जो दरबार में चल रहा होता था उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेता था।
अगर आप गए हैं रेड फोर्ट आगरा के, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा, एक रेड सॉरी ब्लैक कलर का पत्थर का एक, मतलब सिंगल पत्थर की एक चौकी है जिसपे वो बैठ कर सबकी बातें सुना करता था। एक पूरी ब्लैक कलर की है, जहाँ से ताजमहल भी साफ दिखाई देता है, जहाँ से ताजमहल साफ दिखाई देता है, अगर आप वहाँ से खड़े होकर देखेंगे, अगर आप वहाँ गए हैं तो आपको ये चीज़ रिलेट हो रही होगी। जहाँ पर इसको कैद किया था औरंगजेब ने, रेड फोर्ट के अंदर जहाँ पर इसको कैद किया गया था, वहाँ से भी जो है आपका ताजमहल डायरेक्टली देखा जा सकता है। वहाँ पर झरोखे बने हुए, छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्टली जो है ताजमहल को देख सकते हैं। अगर ताजमहल और उसके बीच में अगर ऐसे आप डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्टली अगर ऊपर से देखा जाए तो बीच में सिर्फ गंगा सॉरी यमुना रिवर है जो ऐसे घूम के आती है, वैसे निकल जाती है। तो यहाँ पर और कुछ है नहीं, बीच में छोटे मोटे खेत हैं, डायरेक्ट आप ताजमहल को देख सकते हैं रेड फोर्ट से। रेड फोर्ट कहाँ वाला? आगरा वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के बारे में। इससे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, कौन कौन सी चीज़ें इसमें से आपको पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बचपन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। खुर्रम खां इसका बचपन का नाम था। इसको गोल्डन पीरियड बुलाया जाता है, इसके टाइम को मुगल काल का गोल्डन पीरियड या ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री का सेकेंड गोल्डन पीरियड। मुमताज़ महल नाम याद रखिएगा, इनकी बीवी का नाम मुमताज़ महल था, इनकी पत्नी का नाम मुमताज़ महल था। शाहजहाँ ने एक नया शहर बसाया था जिसका नाम था शाहजहाँबाद, जिसके प्रोटेक्शन में रेड किला बनाया गया, रेड फोर्ट बनाया गया था, जिसको उस टाइम पर बुलाया जाता था किला ए मुबारक। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं एक सांस में बोल के आपको बता जरूर दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दे के इनको याद कर लीजिएगा। हिजरी संवत जो सॉरी इलाही संवत जो चल रहा था, अकबर ने बनाया था उसको, इसने हिजरी संवत में कन्वर्ट कर दिया था। इसके अलावा जो सिजदा की प्रैक्टिस थी वो इसने बंद करा दी थी। ठीक, ताजमहल को बनाने वाले जो उस्ताद थे, जो फनकार थे जिन्होंने बनाया, एक तरीके से जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने बनाया, वो थे उस्ताद ईसा खां। दिल्ली की जामा मस्जिद और मोती मस्जिद आगरा की, ये दोनों बनाई थी शाहजहाँ ने। इसके अलावा शाहजहाँ ने जो है वेडनेसडे फिक्स कर रखा था, जिसपे वो एक तरीके से सबकी बातें सुनता था, सबकी जो जनता के लिए न्याय करने का दिन था वो था बुधवार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, इन 1558 औरंगजेब टुक कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड लॉक्ड शाहजहां इन द फोर्ट ऑफ आगरा वेयर ही डाइड इन 1666। 8 साल बाद, 8 साल तक ये कैद में बंद रहा वहां पर। वैसे तो ये कैद नहीं थी, जेल नहीं थी, लेकिन पूरी सुविधाएं होने के बावजूद भी इसको एक तरीके से नज़रबंद कर रखा गया था। नज़रबंद करने का मतलब वही होता है कि आप जैसे आपको अपने घर के अंदर नज़रबंद कर दिया जाए, आपको खाने पीने की सब सुविधाएं मिल रही होंगी, आप फ्री हैं हर चीज़ करने के लिए, लेकिन आपको रहना घर के अंदर ही है। तो ऐसे ही रेड फोर्ट का एक एरिया है, जो अगर आप रेड फोर्ट में देखेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साइड पड़ता है शायद, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, नॉर्थ वेस्ट साइड पड़ेगा। वहाँ पर इसने नज़रबंद कर दिया था, वहाँ से आगरा भी दिखता था, ताजमहल भी इसको दिखा करता था, और भी सब सुविधाएं थी, लेकिन उसको जो है एक तरीके से पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से काट दिया था, जहाँ पर 8 साल बाद इसकी डेथ हो जाती है। और कब ऐसे इसने किया था? जब दारा शिकोह पे इसने 58 में दारा शिकोह पे इसने विजय पाली थी, जो इसका सबसे बड़ा बेटा था शाहजहाँ का, उस पर विजय पाने के बाद जो है इसने एक तरीके से अपना शासन कर लिया था दिल्ली के ऊपर। अब हम बात करते हैं दारा शिकोह की। दारा शिकोह ने भी हिस्ट्री में कुछ ना कुछ किया है, इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, अभी आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। दारा शिकोह वॉज द इल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ, बट ही वॉज डिफीटेड बाई औरंगजेब, सो ही कुड नॉट गेट द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर। ये कभी मुगल एम्पायर का जो थ्रोन था, ओवरऑल मुगल एम्पायर का जो थ्रोन था वो नहीं पा पाया, लेकिन इसने कुछ काम जरूर किया था जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं। दारा शिकोह वॉज अ स्कॉलर पर्सन। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा हो, जो चीज़ों को जानता हो समझता हो। तो ये काफ़ी स्कॉलर व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, एंड वेरी पॉपुलर एज फुल्ली सेकुलर रूलर। जिस जिस क्या कहते हैं प्रोविंस में इसको सामंत में मतलब जो भी प्रोविंस इसको दिया गया हुआ था, जहाँ पर ये रूल कर रहा था वहाँ पर, और ओवरऑल जो आपका मुगल साम्राज्य है वहाँ पर, ये एक बहुत सेकुलर मतलब सहिष्णु और जो धर्मनिरपेक्ष जो राजा है उसकी तरह एक तरीके से इसकी इमेज थी। धर्मनिरपेक्ष था ये काफ़ी चीज़ों के प्रति, और धर्मनिरपेक्ष लोगों की इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से वैल्यू नहीं हुई, चाहे वो मुगल काल रहा हो या उसके पहले का। वो बात अलग है कि अकबर जैसे कुछ लोग जो पावरफुल भी थे, और साथ साथ में कुछ जो है इनके अंदर धर्मनिरपेक्षता वाली बातें भी थी, तो इसकी वजह से शासन कर ले गए, लेकिन अधिकतर जो राजा रहे हैं पुराने टाइम पर, जो चाहे वो किसी भी उसके रहे हों, धर्मनिरपेक्ष राजा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। कुछ रहे हैं जो हिस्ट्री में कुछ अलग करके गए हैं, इसी वजह से उनको उनके आगे महान की पदवी लग जाया करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई सूफिज्म। सूफिज्म क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सूफिज्म एक इस्लाम का ही एक दूसरा, एक तरीके से कह लीजिए मॉडिफाइड वर्जन था इस्लाम का ही।
वो लोग कट्टर इस्लामिक में भरोसा नहीं रखते थे, कट्टरपंथी इस्लाम में भरोसा नहीं रखते थे। उनका कहना था कि जो उनका मतलब एक तरीके से ईश्वर है, जो उनका अल्लाह है, वो उनका प्रेमी है और वो उसके खुश करने के लिए कुछ भी करते थे। यहाँ पर एक तरीके से हिंसा और सब चीज़ों पे पूरी तरीके से बैन था और काफ़ी खुले दिल के लोग हुआ करते थे। सबको किसी भी चीज़ की मनाही बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। जैसे कि आपने मुस्लिम धर्म में देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगते हैं, वो उनके जो है मतलब रिलीजियस बिलीव्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा होता है। जैसे गाने और संगीत पर भी प्रतिबंध लगा होता है, वो बात अलग है, बहुत लोग करते हैं। ऐसे तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन हम सब लोग कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही, लेकिन जो सूफिज्म था वो थोड़ा सा हट के था। सूफिज्म का बिलीव था कर्म में, अच्छे काम करो, लोगों के साथ अच्छे बिलीव अच्छी तरीके से बात करो, अच्छे तरीके से पेश आओ और जो है भगवान की भक्ति में लीन रहो, वो था सूफिज्म। तो ये सूफिज्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। एंड अ फॉलोअर ऑफ कादरी सूफी सूफी मुल्ला शाह बदकसी, ठीक है, ये इनका फॉलोअर भी हुआ करता था। ये नाम आप याद ना रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप इतना याद रखिए कि जो दारा शिकोह था वो सूफिज्म से इन्फ्लुएंस था और सूफिज्म का फॉलोअर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट डन बाई दारा शिकोह, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, वॉज द कलेक्शन ऑफ वेदाज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था, जो इसके लिए इसको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद करते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं, वो था वेदों का कलेक्शन, वेदों का संकलन इसने किया था बहुत अच्छे से, और जो इसको हिस्ट्री में थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बना देता है, क्योंकि राजा ना रहने के बावजूद भी इसने काफ़ी काम ऐसे कर लिए। बहुत ज़्यादा दिनों तक ये ना पावर में रहा है, ना इसने कुछ वैसी कोई सत्ता संभाली है, लेकिन इसने तब भी कुछ अच्छे काम किए हैं। विद द हेल्प ऑफ सम पंडित्स दारा शिकोह ट्रांसलेटेड 52 जो उपनिषद है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 52 उपनिषद इनटू फारसी लैंग्वेज, जो 52 उपनिषदों को इसने फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया। विद द नेम ऑफ सिर ए अकबरी, लिखा हुआ है वैसे हिंदी में, सिर ए अकबरी के नाम से इसने जो है 52 जो उपनिषद थे उनको फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया। और ये काम इसने कहाँ पर किया था, ये काम इसने काशी में रहते हुए ही किया था। ठीक है, काशी में रह के इसने ये काम किया था। वो बनारस, काशी, वाराणसी, बहुत सारे नाम इसके चेंज हुए हैं, उस टाइम पर काशी बोला जाता रहा। तो काशी में रहकर इसने 52 जो है उपनिषद हैं उनको भी चेंज करा दिया। अब आपको यहाँ से दारा शिकोह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये कि काफ़ी फेमस था, धर्मनिरपेक्ष राजा की तरह, सबसे बड़ा बेटा था किसका, शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सूफिज्म का फॉलोअर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है ये है वेदों का कलेक्शन, क्योंकि मुगल साम्राज्य में ऐसे बहुत कम राजा रहे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो, इसलिए ये इसकी स्पेशलिटी है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेदों का कलेक्शन इसने किया और 52 उपनिषदों को पढ़ा और उनको ट्रांसलेट करवाया किसमें, फारसी लैंग्वेज के अंदर, जो कि इनकी मातृ लैंग्वेज हुआ कर मातृभाषा हुआ करती थी। तो ये तो थी आज की क्लास, और हम बात कर लेते हैं आज के क्विज के बारे में। क्विज के 3 क्वेश्चन मैंने आपको कल ही दिए हुए थे, काफ़ी लोगों ने सही आंसर ही दिए हैं। इसके आंसर मुझे डायरेक्टली ऐसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको सीधे YouTube पर ले चलता हूँ, वहाँ पर कुछ लोगों के आंसर्स दिखाता हूँ, काफ़ी लोगों ने सही आंसर्स दिए हुए हैं। कमेंट बॉक्स में सबसे पहला नाम जो दिखता है आंसर देने में वो है हिमांशु चौहान जी का, सभी के सभी इनके आंसर सही हुए हैं। गुजरात का परिहार था, पाल डायनेस्टी थी कहाँ की, बंगाल की, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी आपके साउथ इंडिया की। ठीक है, तो ये तीनों डायनेस्टीज थी जो उस टाइम पर लगी हुई थी किसके लिए, कन्नौज में जो त्रिपक्षी एक तरीके से वो चल रहा संघर्ष चल रहा था उसके लिए तीनों के तीनों जो ये वंश थे, तीनों के तीनों वंश लगे हुए थे उसमें, लड़ रहे थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी का सबसे पहला अगर क्या कहते हैं महाकाव्य जो है वो बोला जाता है, तो वह इन्होंने बोला पृथ्वीराज रासो, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्याज ऑफ बदामी का वो राजा था जिस टाइम पर, चालुक्याज ऑफ बदामी का वो राजा था जिस टाइम पर ह्वेनसांग गया साउथ इंडिया घूमने गया, या चालुक्याज का जो एक टाइम चालुक्याज का जो किंगडम था उसके यहाँ घूमने गया जब, तो वहाँ पर पुलकेशिन सेकंड थे। वही सेम आंसर जो है वो तीनों के तीनों सही आंसर दिए हैं, कंचन वर्मा जी ने, वही बिल्कुल सही है। उसके बाद अभिषेक कुमार जी ने भी आंसर दिया है जो कि एग्जैक्टली सही है, इन्होंने साथ में राइटर का नाम भी लिखा है चंदवरदाई, इन्होंने जिन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो, और तीनों के तीनों इनके आंसर भी सही हैं। इसके अलावा देवेंद्र बहुना जी ने भी सही आंसर दिया हुआ है, देवेंद्र सॉरी गौरव बहुना जी ने सही आंसर दिया है, देवेंद्र शर्मा जी ने भी सही आंसर दिया है, ये लोग कंटिन्यू आंसर दे रहे हैं। और अरफत हुसैन हुसैन जी ने भी सही आंसर दिए हुए हैं, सभी के सभी आंसर इनके भी सही हैं। और इसके अलावा आगे भी रोहित कुमार जी कंटिन्यू आंसर देते आ रहे हैं, उन्होंने भी सही आंसर दिए हैं। दिव्या जी ने भी सही आंसर दिया है, दीक्षा जी ने भी सही आंसर दिया है, और इन्होंने जूनियर इंजीनियर के लिए सफिशियंट होने की बात की है। तो हाँ, अब एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते किसके लिए कितना सफिशियंट है या नहीं है, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका काम जरूर आएगा जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं।
ये तो मैं खैर आरआरबी जेई के लिए भी नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली सफिशियंट है ही, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं कुछ बन जाए ऐसा जो आपसे आपको ना आता हो। लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आप भी अपनी कोशिश करते रहिए, आप अपना बेस्ट जरूर संभाल के जाएंगे यहाँ से, इतनी गारंटी है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम आज की क्विज के बारे में बात करते हैं। आज की क्विज जो है आपके सामने है, जौनपुर किसने बनवाया, आगरा किसने बनवाया, कन्नौज का पुनर्निर्माण किस राजा ने कराया, और इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो है किसने बनवाया। अगर आपको ये पता है कि किसने बनवाया है तो साथ में आप उसका जो है डायनेस्टी के बारे में बताइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में डायनेस्टी रूलर और रूलर प्लस डायनेस्टी दोनों आपको बताने हैं। और 2.5 दिन का झोपड़ा कन्नौज में पुनः 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनवाया गया है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर बनवाया गया है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी वो पूरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कंटेंट कंटिन्यू पसंद आता है तो आप लाइक कर जरूर कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहे, क्योंकि जब कम लोग क्लास को देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेक्चर्स जो हैं वो टाइम पर मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।